आप में से बहुत लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते होंगे, लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर सुबह के समय ही धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है जो आपको हम इस खास वीडियो में बताएंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, प्रत्येक धर्म में धर्म ग्रंथों का अत्यधिक महत्व होता है और पवित्रता और सम्मान की दृष्टि से इन्हें पढ़ने के लिए समय और तरीका भी उतना ही महत्व रखता है। लेकिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए सुबह और शाम का समय ही क्यों सही माना जाता है, चलिए जानते हैं एक खास वैज्ञानिक कारण। यूं तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अनेक धर्म ग्रंथ हैं, जिनका पठन धर्म के बारे में जानकारी बढ़ाने के साथ ही मनुष्य का मार्गदर्शन भी करता है। लेकिन ज्यादातर इन धर्म ग्रंथों को सुबह या शाम के समय ही पढ़ा जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत में धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग शाम के समय इन्हें पढ़ते हैं। इन धर्म ग्रंथों को सुबह या शाम के समय पढ़ने का धार्मिक और अध्यात्मिक कारण होने के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल सुबह या शाम के समय हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों के लिहाज से यह लाभदायक होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जिसके कारण इस समय हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता और ग्रहण क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। साथ ही ये वो समय होता है जब आपके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता और पढ़ी और सुनी गई बातों का मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, धर्म ग्रंथों को खास तौर में सुबह और शाम के समय ही पढ़ा जाता है, ताकि हमारे स्वास्थ्य और व्यवहार दोनों पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि अगर सुबह शाम हम इसे पढ़ सकते हैं तो कौन से धर्म ग्रंथ सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी धर्म ग्रंथ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको अलग अलग प्रकार की शिक्षा भी देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ आप जीवन का सार समझ पाएं, साथ ही साथ उनसे क्या क्या बातें सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का पठन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के युग में हर कोई डिजिटल हो रहा है, ऐसे में आप चाहें तो अपने फोन पर भी आप धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपका ही मार्गदर्शन होगा। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते और ऐसे में हम तनाव से भर जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती ही रहती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके मन के साथ साथ आपके दिल में और आपके दिमाग में भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।